हेलो देयर, इट्स मी कुमार सोनल और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग वर्ड्स। अभी वक्त हो चला है 9:30 और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कल शाम हमारे इस तरफ यानी कि घाटशिला में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया। कल शाम तो नहीं बोल सकता हूँ, दोपहर में 3 बजे के आसपास पूरा काला हो गया, एकदम ब्लैकआउट। ठीक है, और इतना तेज़ आंधी था ना कि जिसका रेपरकशन भी देखने को मिला। कल करंट आया ही नहीं, बहुत लेट में जाके आया, लगभग एक बार ही 9 बजे के आसपास आया था। इसके बाद तो फिर शायद 12 के आसपास आया, आई थिंक 12 या 11:30 ऐसा ही। आपको अगर रेपरकशन दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास आप देख सकते हो, मेरे सामने वाले घर में वो देख रहे हो आप, वो जो रुकिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरा वो जो कार है उसके सामने वो जो पेड़ का टहनी पड़ा हुआ है ना, तो ये जो पेड़ का टहनी आप देख रहे हो ना, ये कल को ही आंधी में गिरा है। ठीक है, और अभी मैं पेपर में देख रहा था तो पता चला कि धालूमगढ़ में कितने सारे घर के छत उड़ गए, फिर कितनों के दुकान जो हैं वो तबाह हो गए। और यहीं पे घाटशिला में ही एक जगह है दाहीगोड़ा, जहाँ पे उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, अभी अभी मैंने पढ़ा पेपर में, तो उनका डेथ हो गया। मतलब वहाँ के रहने वाले थे, वो आ रहे थे मतलब अपने घर के लिए लौट रहे थे, तो पेड़ उनके ऊपर गिर गया। सोचिए मतलब क्या तबाही मचा है ना। और इसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, इस चीज़ को आप देखिए। तो देखा आपने किस तरीके का तबाही मचा। इसीलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ ना बार बार आपको, कि जो भी काम करना है ना वो अभी करना है, इसी वक्त, यही अपना मोमेंट है। कल किसने देखा है ना, क्योंकि कब आंधी तूफान ये सब आएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपना काम करते हुए रहिए और मस्त रहिए, मज़े में रहिए, एकदम इन्जॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं, कुछ फिक्र नहीं। ठीक है, काम करते रहिएगा, अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। आज अगर हो पाएगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा निकल करके देखूं और कहाँ कैसा क्या सिचुएशन हुआ है। जैसे यहाँ पे एक जगह है मोह भंडार करके, तो उस तरफ में जाऊंगा और वहाँ देखूंगा कि कैसा क्या हुआ है। शाम तरफ में उधर जाना है, तो मैं अगर जाता हूँ तो उसका भी वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगा, और अगर नहीं तो आई एम सॉरी। बट आप में से जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके उधर कैसा क्या सिचुएशन था कल के दिन यानी 15 मई 2023 को कैसा क्या सिचुएशन था, मतलब आंधी तूफान आया कि नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ताकि पता चलता रहे कि बाकी जगह का हालचाल कैसा था। जैसे ये जो है ना घाटशिला, ये ईस्ट सिंहभूम के अंडर आता है, ठीक है, झारखंड ईस्ट सिंहभूम, और ये कोल्हान डिवीज़न के अंडर में है ईस्ट सिंहभूम। तो टोटल तीन तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोल्हान डिवीज़न के अंडर, और तीनों डिस्ट्रिक्ट में कल तबाही मचा है। तो आप अगर इन डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप ज़रूर बताइए कि आपके उधर कैसा था हालचाल, क्योंकि इन तीन डिस्ट्रिक्ट का तो पता चल गया कि यहाँ पे हालत वैसा ही था, मतलब आंधी तूफान से पूरा तबाही मचा था। तो अब मैं चलता हूँ नाश्ता करने के लिए, आज पता नहीं नाश्ते में क्या है, देख लेता हूँ। तो ये रहा मेरा नाश्ता, और आज है रोटी, और ये किस चीज़ का, चना 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 का सब्जी, चना का सब्जी चना का सब्जी। मसालेदार है, तो ठीक है, रोटी और चना का सब्जी। आज एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा है तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, और इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करते हैं, हम लोग इस व्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ बहुत जल्द दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।